बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने बेटा डिस्कस किया था, दो कंडक्टर्स के केसेस को हमने डिस्कस किया था, और उसमें हमने ये देखा था कि दो कंडक्टर्स में से करंट अगर सेम डायरेक्शन में जाता है तो क्या होता है, और करंट अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो क्या होता है। ठीक है, तो दो केसेस हमारे कल हो गए थे। आज हम डिस्कस करेंगे बेटा कि अगर कोई सर्कुलर शेप का कोई कंडक्टर हो, उसमें से जब हम करंट पास करवाएंगे तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो किस तरह से बनेगी, और किस तरह से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को हम डिफाइन करेंगे। तो आज डिस्कस करते हैं बेटा हमारा नेक्स्ट जो केस है कि मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग कैरिंग लूप बेटा, जो सर्कुलर करंट कैरिंग लूप होती है उसकी मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो किस तरह से होती है बेटा। सपोज करें बेटा हमारे पास इस तरह से एक सर्कुलर शेप की एक लूप है बेटा, इस तरह से। ठीक है, इसका शेप जो है ये सर्कुलर है बेटा। मैं दो बना लेता हूँ कि हमारे पास दो सर्कुलर शेप की लूप्स हैं बेटा। ठीक है, अब आप क्या करें, अब बेटा ये इस तरह से करें कि आप इन दोनों का, जाहिर सी बात है इनके दो एंड हमें बनाने पड़ेंगे बेटा, इस तरह से दो एंड हम इस तरह से बनाते हैं बेटा। ठीक है, तो ये इस तरह से दो एंड हम बना लेते हैं बेटा इसके, जिसको हम करंट देंगे बेटा। ये हमारे पास बेटा सर्कुलर शेप के दो रिंग्स हैं। अब सपोज करें बेटा इसको आप पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, उसको नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। अब क्या होगा बेटा कि इसमें से इस तरह से करंट फ्लो करेगा बेटा, करंट फ्लो करता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और ये करंट इस तरह से होता हुआ बेटा ये करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा, क्योंकि बेटा करंट इसमें आएगा इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा बेटा। आप इसको कह लें कि लूप वन है बेटा, थोड़ा मैं ऊपर लिख देता हूँ बेटा साइड पे, क्योंकि मुझे कुछ इसमें बनाना है अभी। लूप वन है बेटा, और ये हो जाएगी आपके पास बेटा लूप टू, दो लूप्स हो गए बेटा। अब आप देख सकते हैं बेटा कि इन लूप वन करंट फ्लोज एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप देख रहे हो बेटा तो इसको करंट आपको जो नजर आ रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है। तो आप क्या कहोगे बेटा कि इन लूप वन बेटा, लूप वन के अंदर करंट इज फ्लोइंग एंटी क्लॉकवाइज बेटा। करंट जो होता है वो किस तरफ फ्लो कर रहा है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है बेटा। ठीक है, ये आप देख रहे हैं बेटा करंट यहां से इस तरह से फ्लो कर रहा है। अब अगर इसकी मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे बेटा तो ये बनेगी बेटा ये इस तरह से। आप देख सकते हैं बेटा कि थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और ये इस तरह से होगा बेटा। मैं आपको कोई लूप लेके उसमें जो है वो ये बता देता हूँ, वायर का ही कौन है, वायर का फ्री का वायर हो जाए, ये ना थोड़ी थिक वायर हो जाए ना, रही पावर केबल को नहीं कहेंगे फ्री, ये ना रही। ठीक है, देखिए बेटा अगर इस तरह से आप ये एक हमारे पास ये इस तरह से आप ले लें कि
ये इस तरह से एक रिंग शेप की, ये आप कह लें कि ये कंडक्टर है आपके पास, ठीक है। ये थोड़ा सफा सॉफ्ट है, को मन थोड़ी थिक हो जाए। पावर केबल कड़ी उठे रह रही, प्रिंटर आ रही। देखिए बेटा, आप इसको इस तरह से सेंस में देख सकते हैं बेटे, ये सर्कुलर जो हमारे पास है, ये हमारे पास एक सर्कुलर बन गई कि ये सर्कुलर वायर है बेटा, ठीक है। अब ये सर्कुलर वायर है, आप इसको इस तरह से देख सकते हैं बेटा, ये इस तरह से, ठीक है। अब इसका मतलब है इसमें करंट इस तरह से जा रहा है, तो ये करंट आपको किस तरह नजर आएगा बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज तो आप क्या करोगे, राइट एंड ग्रिप रूल बेटा, इस तरह से आप देख सकते हैं बेटा कि थंब बेटा मेरा किस डायरेक्शन में जा रहा है, करंट में, क्योंकि करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है थंब इस तरह से। तो आप देख सकते हैं मेरी फिंगर्स अंदर की तरफ से यहां से बाहर आ रही है बेटा, यहां से बाहर आ रही है ये फिंगर, यहां से अंदर जा रही है ये फिंगर इस तरह से बेटा। आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे बनाता हूं तो यहाँ पे फिंगर मेरी अंदर जा रही है, और अंदर से क्या आ रही है, बाहर बेटा इस तरह से। अगर यहाँ पे मैं बनाता हूँ बेटा तो यहाँ से भी इसी तरह से होता है, यहाँ पे करंट डाउनवर्ड होता है। तो इसका मतलब है कि इसमें बेटा मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ से लाइनें अंदर जाएंगी, और अंदर की तरफ से लाइनें जो होंगी बेटा बाहर आएंगी। तो आप कह सकते हैं बेटा इस तरह से कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से बनेगी बेटा, इसके बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जाएंगी बेटा, इस तरह से अंदर जाएंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगी बेटा, बाहर की तरफ आएंगी इस तरह से, ठीक है। बाहर से अंदर की तरफ जाएगी बेटा, इस तरह से आप कह सकते हैं सर्कुलर जो लूप होती है उसके अंदर इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस बनती है। जबकि अंदर से आप बनाओगे बेटा तो अंदर से ये लाइनें बाहर आएंगी बेटा, ठीक है। अंदर से बाहर आएंगी और बाहर से अंदर जाएंगी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेटा, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब है बेटा इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से बनेगी बेटा, इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी बेटा, इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से बनेगी, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको इस तरह से नजर आएंगी बेटा, ठीक है। इस तरह से आप कह सकते हैं बेटा कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से होंगी, अंदर की तरफ से बाहर होंगी, क्योंकि ये अंदर की तरफ से बेटा इनका डायरेक्शन आउटवर्ड होगा, और बाहर से इनका डायरेक्शन कौन सा होगा बेटा, इनका डायरेक्शन इनवर्ड होगा, ठीक है। और आपको पता है कि जहां से लाइनें बाहर आती है, मीन्स इस तरह बाहर आती है और यहां से अंदर जाती है, तो इसका मकसद है के आउटवर्ड लाइंस हैं, आउटवर्ड लाइंस हैं मीन्स ये इसका नॉर्थ पोल होगा, क्योंकि जहां से लाइनें बाहर आती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जहां से बाहर आती हैं वो नॉर्थ पोल होता है बेटा, ठीक है। तो ये यहां से आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलते हुए नजर आएंगी, यहां से अंदर जाते हुए नजर आएंगी, तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर का बेटा जो सर्क्यूलर लूप होगी, इस सर्कुलर लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से होंगी। तो एंटी क्लॉकवाइज अगर करंट नजर आ रहा है तो लाइनें आपको बाहर निकलते हुए महसूस होंगी इस तरह से बेटा, हर जगह पे आपको लाइनें से बाहर निकलते हुए महसूस होंगी। तो इसका मतलब है कि ये आपके लिए क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल हो जाएगा। तो आप कहोगे कि इन लूप वन करंट इज फ्लोइंग एंटी क्लॉकवाइज, देयर फॉर इट्स देयर फॉर लाइन्स बेटा
therefore face of coil या लूप बेटा, फेस ऑफ लूप अपियर्स एंटी क्लॉक, सॉरी नॉर्थ पोल बेटा, नॉर्थ पोल। इसका मकसद है कि जब एंटी क्लॉकवाइज करंट जिस फेस से फ्लो होगा वो आपको क्या नजर आएगा, नॉर्थ पोल नजर आएगा। ठीक है बेटा, सर्कुलर जो क्वाइल होती है उसमें जब आप करंट दोगे और आपको लगेगा कि करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज इस बात को जाहिर करता है कि ये फेस कौन सा होगा, नॉर्थ। क्योंकि अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये होंगी, ये आपको इसे बाहर आती हुई नजर आएंगी। तो एंटी क्लॉकवाइज करंट जो होता है बेटा वो आपको कह सकते हैं कि वहां से फेस आपको जो नजर आएगा वो आएगा नॉर्थ पोल। अब इसको मैं क्लॉकवाइज करंट देता हूं बेटा, सपोज करें इसको मैं पॉजिटिव से कनेक्ट करता हूं, इसको नेगेटिव। आप देख ले बेटा इसमें करंट फ्लो करेगा क्लॉकवाइज। बेटा अगर करंट फ्लो करेगा क्लॉकवाइज इस तरह से बेटा, ये करंट फ्लो करेगा क्लॉकवाइज बेटा, ठीक है। अब अगर क्लॉकवाइज फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन देख ले बेटा ये, क्योंकि थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जाएंगी बेटा, ठीक है। अब आपके माइंड में होगा कि बाहर को क्या कहते हैं, बाहर को कंसीडर नहीं किया जाता, कंसीडर हमेशा कॉइल के अंदर किया जाता है। अब आप इसी कॉइल को देख ले बेटा कि अगर ये हमारे पास एक कॉइल है, ठीक है, इसमें करंट अगर इस तरह से जा रहा है क्लॉकवाइज, इस तरह करंट क्लॉकवाइज है, इसमें करंट कौन सा है बेटा, एंटी क्लॉक, तो आपको लाइनें क्या नजर आएंगी बेटा, अंदर। क्योंकि जब आप करंट को क्लॉकवाइज फ्लो करवाओगे तो आपके हाथ की फिंगर किस तरफ चली जाएगी बेटा, फिंगर अंदर की तरफ चली जाएंगी और इसकी मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न ये बनेगा बेटा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न ये बनेगा। यहां पे लाइनें जो होंगी बेटा अंदर की तरफ होंगी, ठीक है, यहां पे लाइंस जो होंगी ये अंदर की तरफ होंगी बेटा, यहां पे लाइंस जो होंगी ये इस तरह से अंदर की तरफ जो है वो लाइंस बन जाएंगी बेटा, और यहां से लाइंस जो बनेंगी बेटा वो बाहर की तरफ होंगी बेटा, यहां से लाइंस बाहर की तरफ होंगी और यहां से लाइंस जो होंगी बेटा क्या हो जाएंगी, अंदर की तरफ हो जाएंगी बेटा, ठीक है, इस तरह से लाइंस होंगी बेटा ये आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें आप क्या करोगे बेटा, इसमें आप इस तरह से बनाओगे कि ये लाइंस बेटा इस तरह से अंदर की तरफ जाएंगी, मीन्स लाइंस इसके अंदर की तरफ जाएंगी बेटा ये इस तरह से, ठीक है, ये लाइंस जो होंगी बेटा ये इस तरह से अंदर की तरफ जाएंगी, तो इसमें आपको लगेगा कि लाइनें अंदर की तरफ जा रही है और इसमें आपको लाइनें बाहर निकलते हुए महसूस होंगी, और इसमें क्या हो जाएंगी बेटा, आपको लाइंस जो होंगी बेटा वो अंदर जाते हुए महसूस होंगी बेटा। तो आप क्या लिखोगे, इन लूप टू, इन लूप टू, ठीक है, करंट, करंट इज फ्लोइंग, ठीक है, क्लॉकवाइज, करंट जो फ्लो होता है क्लॉकवाइज होता है, देयरफॉर, देयरफॉर फेस ऑफ कॉइल अपीयर्स साउथ पोल बेटा, जहां से करंट क्लॉकवाइज नजर आएगा बेटा वो उसका साउथ होगा, और जहां पे करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा वो उसका क्या हो जाएगा, नॉर्थ। क्योंकि जब एंटी क्लॉकवाइज करंट होगा तो लाइनें आपको बाहर निकलते हुए महसूस होंगी, और जब क्लॉकवाइज होगा तो लाइनें आपको अंदर जाते हुए महसूस होंगी। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे लाइनें जो है
वो हमारे पास बेटा इनवर्ड है, इनवर्ड भी है, देयर फॉर ये कौन सा हो जाएगा बेटा, साउथ पोल हो जाएगा। ठीक है, तो आउटवर्ड लाइंस ऑफ बी है बेटा, ठीक है, और ये इनवर्ड लाइंस ऑफ बी है बेटा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं कि इसमें लाइनें जो होती हैं वो इस तरह से बनेंगी। अब इसको मैं थोड़ा तरीके से बनाता हूँ, ये जस्ट मैंने आपको समझाया है कि किस तरह से होंगी। अब इसको मैं थोड़ा एक और तरीके से बनाता हूँ ताकि ये चीज जो है वो आपके पास सही जो हो जाए, क्लियर हो जाए बेटा। ठीक है, अब सपोज करें बेटा आपके पास एक रिंग है बेटा, सपोज करें ये रिंग है बेटा, ठीक है, ये हमारे पास बेटा एक रिंग है, ठीक है, और इसको मैं थोड़ा बेटा थिक बनाता हूं, ये हमारे पास एक रिंग है बेटा, ठीक है, ये हमारे पास एक रिंग हो गई, और इसमें अब हम करंट देते हैं बेटा, इसमें हम देते हैं बेटा करंट, इसमें हम करंट देते हैं बेटा इस तरह से। आप सपोज कर ले बेटा कि ये इसके एंड्स हैं, रिंग के एंड्स हैं बेटा, ठीक है, इसको हम देते हैं पॉजिटिव, इसको हम देते हैं बेटा निगेटिव। ठीक है, अब करंट का फ्लो मैं बनाता हूँ कि इसमें करंट का फ्लो जो होगा बेटा वो किस तरफ होगा। बेटा ये करंट फ्लो करेगा क्योंकि ये करंट फ्लो करता है पॉजिटिव टू निगेटिव, तो बेटा ये करंट फ्लो करेगा इस तरह से, करंट का फ्लो जो होगा इसमें, ये करंट इसमें इस तरह से फ्लो करेगा, ठीक है, ये करंट का फ्लो हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है, ये करंट का फ्लो हो जाएगा। अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनेगी बेटा, देखिए ये इस तरह से होगा बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड थंब करंट के डायरेक्शन में, इसका मकसद है मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से बनेगी बेटा, यहां से निकलेंगी इस तरह से जाएंगी, कैसे जाएंगी बेटा मैं इसको बनाता हूं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेटा इस तरह से जाएंगी, इस तरह से बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसकी इस तरह से बनेगी, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेटा इस तरह से बनेगी, इस तरह से इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी। एरोज मैं बनाता हूं, पहले मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बेटा बना लो, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसकी इस तरह से बनेंगी बेटा, ये इस तरह से बनेगी, ठीक है। अब ये देखें सर्कुलर शेप की बनेंगी, और इनका एरो मैं बनाता हूं बेटा, यहां से ये बाहर निकलेंगी और यहां से ये अंदर जाएंगी बेटा, यहां से बाहर जाएंगी, यहां से अंदर जाएंगी बेटा, यहां से सब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेटा बाहर आएंगी। पहले मैं बाहर वालों का एरो बना लेता हूं बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आएंगी, यहां से सब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेटा बाहर आएंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आएंगी बेटा यहां से, और बाहर से बेटा अंदर जाएंगी इस तरह से, ये अंदर जाएंगी इस तरह से, ये इस तरह से अंदर जाएंगे, ठीक है। तो आप कह सकते हैं बेटा कि आप देखें कि यहां से मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है और बाहर से क्या होती है बेटा इनवर्ड होती है, तो यहाँ पे अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है बेटा आउटवर्ड होती है, इस तरह से ये चीज आपको नजर आएगी, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी अगर आप किसी भी सर्कुलर क्वाइल को इस तरह से करंट दोगे बेटा, ठीक है। अब मैं बनाता हूं बेटा जो हमारे पास है कि अगर क्लॉकवाइज करंट दोगे बेटा, अगर क्लॉकवाइज करंट दोगे तो उसकी किस तरह से बनेगी बेटा, सपोज करें बेटा ये हमारे पास एक और रिंग है, ये बनेगी नहीं बेटा यहां पे, ठीक है, कोशिश करता हूं मैं कि यहां पे बना लूं,
अब अगर ये बेटा इस तरह से दूसरी मैंने रिंग बनाई है, अब अगर इसके ऊपर हम करंट देते हैं बेटा, इसको हम देते हैं क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज देते हैं तो उसका असर क्या होगा बेटा? सपोज करें इसको हम देते हैं बेटा, उसको तो हमने दिया था एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, इसको हम देते हैं बेटा क्लॉकवाइज। अब इसमें करंट किस तरफ फ्लो करेगा बेटा? करंट बेटा सेम मैंने कर दिया है, करंट का मैं डायरेक्शन जो है वो थोड़ा बनाऊं, फिर जो है वो बेटा ये हो जाएगा हमारे पास निगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव। अब अगर करंट का डायरेक्शन बनाते हैं बेटा, यहां से होगा और ये करंट इसमें जो फ्लो करेगा बेटा वो इस तरह से फ्लो करेगा, ठीक है। इसमें जो करंट फ्लो करेगा बेटा, ये करंट फ्लो करेगा इस तरह से क्लॉकवाइज, इस तरह से। अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनेगी बेटा, ठीक है। अब इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी बेटा वो इस तरह से बनेगी, सेम तरीके से बनेगी बेटा, इसी तरीके से जिस तरह से उसकी बनती है, लेकिन थोड़ा सा इसमें सिर्फ डायरेक्शन का चेंज होगा। मैग्नेटिक फील्ड उसकी भी इस तरह से सर्कुलर लाइंस ही बनती है, लेकिन थोड़े डिफरेंस के साथ ये इस तरह से बनेगी, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से बनती है बेटा, इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी। अब आप इसके एरोस बना ले बेटा, ठीक है। अब इसमें क्या था बेटा कि इसमें से आउटवर्ड था, इसमें यहां पे इनवर्ड होगा बेटा, यहां पे इनवर्ड होगा, लाइनें अंदर जाएंगी, ठीक है, और यहां से क्या हो जाएगा बेटा, यहां से आउटवर्ड हो, यहां से लाइनें निकलेंगी बाहर की तरफ बेटा, इस तरह से लाइनें निकलेंगी बाहर की तरफ और यहां से अंदर की तरफ जाएंगी, तो यहां पे अंदर क्या होंगी बेटा, इनवर्ड होंगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये जो नजर आएगा बेटा, ठीक है, ये जो होगा इसका, ये हमें जो फेस नजर आएगा बेटा, आप इसको इस तरह लिख ले कि करंट फ्लोज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज फेस इज नॉर्थ बेटा, ठीक है। इसमें करंट फ्लोज क्लॉकवाइज फेस इज साउथ पोल, फेस कौन सा हो जाएगा, साउथ पोल। इन शॉर्ट आप कह सकते हैं बेटा, जहां से करंट फ्लो करेगा एंटी क्लॉकवाइज, जहां से आपको करंट एंटी क्लॉकवाइज नजर आएगा वो नॉर्थ पोल होगा, और जहां से करंट क्लॉकवाइज नजर आएगा वो साउथ हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं बेटा, ये कॉइल का रूल होता है बेटा। अब आ जाते हैं बेटा हम अपने नेक्स्ट जो इसी के अंदर टॉपिक है कि मैग्नेटिक फ्लक्स किसको कहा जाता है, ठीक है बेटा। मैग्नेटिक फ्लक्स का मकसद क्या होता है बेटा? मैग्नेटिक फ्लक्स का मकसद होता है बेटा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वही सेम बेटा जिस तरह से लाइंस पासिंग थ्रू एरिया, पासिंग थ्रू एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू फील्ड, ठीक है। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एरिया बेटा, जिस तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम कहते थे ना, किसी भी एरिया में से जितनी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरती है वो बन जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसी तरह से जितने भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी भी एरिया से पास होती है उसको कहा जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स बेटा। फॉर एग्जाम्पल
अगर हमारे पास बेटा इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, सपोज करें ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, ठीक है, और इस तरह से बेटा ये इसके अंदर कोई एक एरिया हम लेते हैं। सपोज करें बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई एरिया हम रखते हैं इस तरह से, ठीक है बेटा। आप इसको कह लें कि ये मैग्नेटिक फील्ड है बेटा। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है, अब इसके अंदर आप एक एरिया रखते हैं बेटा। सपोज करें मैं दो एरियाज रखता हूं बेटा, ये हमारे पास एक एरिया वन है बेटा, ठीक है, और हर एरिया का एक होता है एरिया वेक्टर बेटा, ये दूसरी एरिया बेटा, एक छोटी एरिया है एक बड़ी एरिया है। और आपको पता है एरिया वेक्टर के बारे में चैप्टर 12 के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये एरिया वेक्टर है बेटा, ठीक है, एरिया वन का, और ये एरिया वेक्टर है डेल्टा ए एरिया टू का बेटा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं क्योंकि हमने डिस्कस किया था बेटा एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड एरिया के बराबर होता है और वो परपेंडिकुलर होता है, तो आप देख सकते हैं बेटा कि इसमें ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस पास कर रहे हैं तो हम कहेंगे इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा होगा, और इसमें कम नंबर ऑफ लाइंस गुजर रही है तो हम कहेंगे इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स कम होगा। तो किसी भी एरिया से नंबर ऑफ लाइंस कितनी गुजरती है वो मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है। मैग्नेटिक फ्लक्स एक तो डिपेंड करता है एरिया पे, बड़ी एरिया में ज्यादा फ्लक्स होगा, छोटी एरिया में कम फ्लक्स होगा, ठीक है। अब हम करते हैं बेटा एक, मैं एक और चीज आपको बताता हूं कि मैग्नेटिक फ्लक्स आल्सो डिपेंड्स अपॉन एंगल। ये चीजें सब आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अंदर पता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका डिटेल में पढ़ा हुआ है, क्लोज्ड सरफेसेस वगैरह होते हैं, लेकिन इसमें ऐसे कोई केसेस नहीं दिए गए, सिंपली फ्लक्स के बारे में कहा गया है कि फ्लक्स क्या होता है, ठीक है। बाकी क्लोज्ड सरफेस से तो फ्लक्स होगा नहीं मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि इसके अंदर हमेशा दो पोल बनते हैं, डायपोल बनता है, तो ये एक अलग चीजें होती है, ठीक है। तो ये एक ऐसा सिस्टम होता है जो बहुत ही डीप है और आपके पास है नहीं, क्योंकि क्लोज्ड सरफेस का कॉन्सेप्ट इसमें कुछ अलग से है बेटा, ठीक है। वो आपके पास गॉसस लॉ की तरह कुछ नहीं दिया हुआ, ठीक है, वो एम्पियर्स लॉ के अंदर जब आएगा एक दो केसेस हैं तो वहां पे डिस्कस करेंगे। देखिए ये इस तरह से, ठीक है। अब अगर आप देखते हैं बेटा तो फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है बेटा, फ्लक्स एक तो एरिया पे डिपेंड करता है, दूसरा एंगल पे डिपेंड करता है बेटा, ठीक है। अब इसको मैं पोजीशन 1 कर देता हूं, ठीक है बेटा, और ये आ गई आपके पास पोजीशन 2 बेटा, सेम एरिया है उसकी पोजीशन मैंने तब्दील कर दी, और ये आ गई पोजीशन बेटा 3, ठीक है। अब मैं इसके एरिया वेक्टर्स बनाता हूं बेटा, यहां पे इसका एरिया वेक्टर ये बेटा, एरिया वेक्टर हमेशा एरिया से परपेंडिकुलर होता है बेटा, ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर डिस्कस किया था बेटा, और ये होता है एरिया वेक्टर इस तरह से। आप देख सकते हैं बेटा कि फ्लक्स डिपेंड करता है एरिया पे और फ्लक्स डिपेंड करता है एंगल पे। आप वही एरिया देख लें, अगर एंगल आप देख सकते हैं बेटा कि एट फर्स्ट पोजीशन बेटा, अगर आप देखते हैं मैं लिखता हूं बेटा, देखने से आपको पता लगता नहीं है बेटा, पोजीशन 1 पे एंगल बिटवीन डेल्टा ए एंड बी इज 0 डिग्री बेटा। बेटा किसके दरमियान? मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर ए के दरमियान बेटा, एरिया वेक्टर के दरमियान, मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान, डेल्टा ए के दरमियान एंगल 0 है बेटा। और एंगल बिटवीन बेटा, सेम पोजीशन पे एंगल बिटवीन बेटा, बिटवीन प्लेन
एंड बी इज 90 डिग्री बेटा। ठीक है, अब बेटा देखे यहाँ पे बी प्लेन का मकसद है इसके दरमियान, बेटा ये जो एरिया है ना इसके दरमियान और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान 90 है, एरिया वेक्टर और इसके दरमियान क्या होती है बेटा ये है 0। और यहाँ पे फ्लक्स जो होता है बेटा फ्लक्स इज मैक्सिमम, फ्लक्स मैक्सिमम तब होता है बेटा जब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान 0 होती है, प्लेन के दरमियान और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल 90 होती है बेटा। पोजीशन टू बेटा, या पहले पोजीशन में थ्री करता हूं फिर टू करता हूं। अब पोजीशन थ्री देखें बेटा, एंगल है, अब बेटा आज मैं एंगल क्लियर लिख रहा हूं आपको, एंगल है बिटवीन बिटवीन डेल्टा ए एंड बी इज 90 डिग्री बेटा। एंगल है बिटवीन प्लेन एंड बी इज 0 डिग्री बेटा। फ्लक्स इज मिनिमम बेटा, फ्लक्स मिनिमम, मिनिमम का मकसद है फ्लक्स 0 बेटा। ठीक है, और पोजीशन टू बेटा, पोजीशन टू के ऊपर क्या होता है, एंगल है बिटवीन डेल्टा ए एंड बी थीटा ग्रेटर देन 0 डिग्री लेस देन 90 डिग्री बेटा। ठीक है, थीटा 0 से बड़ी है 90 से छोटी है बेटा। एंगल बिटवीन प्लेन, प्लेन का भी वही किस्सा है, बिटवीन प्लेन एंड बी इसके लिए भी वही है बेटा, थीटा ग्रेटर देन 0 डिग्री है लेस देन 90 डिग्री है बेटा। तो फ्लक्स क्या होगा बेटा, फ्लक्स एट पोजीशन टू बेटा ग्रेटर देन होगा फ्लक्स एट पोजीशन थ्री एंड फ्लक्स एट पोजीशन वन। पोजीशन वन पे फ्लक्स मैक्सिमम बेटा, पोजीशन वन पे फ्लक्स मैक्सिमम। ठीक है बेटा, पोजीशन टू पे फ्लक्स जो होता है बेटा 0, और पोजीशन सॉरी पोजीशन थ्री बेटा, पोजीशन थ्री पे फ्लक्स 0, पोजीशन टू पे फ्लक्स ये होता है बेटा। ठीक है, क्योंकि देखिए बेटा जैसे जैसे एंगल बढ़ रही है नंबर ऑफ लाइंस बेटा, ये मैं आपको सिंपली इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने पढ़ा हुआ है, सिर्फ नेम चेंज हुआ है यहाँ पे, मैग्नेटिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जगह पे मैग्नेटिक फ्लक्स है, बाकी सब रूल सेम है कि ये डिपेंड करता है एरिया पे, डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पे, और एंगल किसके दरमियान है ये मैंने क्लियरली लिख दिया है। फिर ये नहीं कहना प्लेन के दरमियान ये होता है वो होता है, अब मैं आपको एंगल बता रहा हूं, आप क्वेश्चन ये भेजोगे कि किस एंगल पे मैक्सिमम होता है, तो फिर ये बताने का मकसद क्या था, मैंने ये क्यों बताया, इसी को तो अप्लाई करना है आपने। आप जो है वो कहते हो क्वेश्चन भेजते हो कि अल्फा पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, व्हाट इज डायरेक्शन बताए, सर अगर डायरेक्शन बताता रहेगा तो सर की प्रैक्टिस होगी, आपको रूल क्यों बताया कि राइट हैंड रूल इस्तेमाल करें ना, अप्लाई तो करें उसके लिए तो प्रैक्टिस होगी ना। अब आप अप्लाई करोगे नहीं, सब चीजें अगर आप किसी से पूछोगे, मुझसे पूछो किसी और से पूछो दोस्त से पूछो अपने जो दूसरा टीचर होगा जहां पे पढ़ रहे वहां से पूछो, अगर इसी तरह से अगर आप ये चीजें पूछते रहोगे तो आपकी प्रैक्टिस कब होगी। प्रैक्टिस का मकसद ये नहीं होता आप किसी दूसरे से पूछे, प्रैक्टिस का मकसद है आपको रूल बताया गया उस रूल को अप्लाई करें मुख्तलिफ क्वेश्चंस पे। अगर आप अपने एकेडमी के टीचर से, आप जहां पे ट्यूशन पढ़ते हो उसके टीचर से, आप अपने दोस्त से इसी तरह से पूछते रहोगे ना तो आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। जो रूल्स होते हैं ना बुनियादी रूल्स होते हैं उनको अप्लाई करें, उनको देखें कैसे अप्लाई होते हैं, वही प्रैक्टिस होती है। प्रैक्टिस का मकसद ऐसे थोड़ी होता है क्वेश्चन पढ़ के दूसरे से पूछ लिया, प्रैक्टिस दूसरे की प्रैक्टिस होगी वो आपकी नहीं होगी,
आप थोड़ा बेटे इसको अप्लाई करें, ये जो हम पढ़ते हैं ना इसी को अप्लाई किया जाता है एमसीक्यूज के ऊपर, यही अप्लीकेशन एमसीक्यूज है इसकी बेटा, ठीक है। तो ये अब अगर पूछा जाए कि व्हाट इज फिलक्स मैक्सिमम किस पे होता है, एंगल प्लेन और उसके दरमियान दी, फिर अब ये पता नहीं क्या होगा। अब ये सारी चीजें इसमें इसको पढ़ें कि इसको मकसद क्या है इसका, उससे आ जाएगा क्वेश्चन आपको। तो प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस खुद जब तक नहीं करोगे ना मसले हल नहीं होने आपके, ठीक है। आप दोस्त से हेल्प लोगे, आप फ्रेंड से लोगे, आप अपने दूसरे टीचर से लोगे, आप किसी और से हेल्प हेल्प कम लें, सेल्फ डिपेंडेंट बने। जितने सेल्फ डिपेंडेंट बनोगे ना उतना फायदा। एंट्री टेस्ट के आप स्टूडेंट हो, फर्स्ट ईयर इंटर के नहीं हो, डिफ्रेंशिएट करें अपनी पोजिशन को, आप किसके स्टूडेंट हो। तो बेटा अब इसका अगर फार्मूला हम लिखें तो फिलक्स मैग्नेटिक क्या होता है बेटा, इसका फिलक्स मैग्नेटिक होता है बेटा। फार्मूला मैं यहाँ पे अलग लिख लेता हूँ कि ये इसका फार्मूला क्या होगा, अदरवाइज आप इस सेकंड के साथ इसको समझोगे। इसका फार्मूला क्या होता है बेटा, फिलक्स का फार्मूला होता है कि फिलक्स मैग्नेटिक फिलक्स इज इक्वल टू बेटा डॉट प्रोडक्ट होता है, जिस तरह से इलेक्ट्रिक फिलक्स होता है। अब अगर इसको आप करोगे तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो कि बेटा बी डेल्टा ए कॉस थीटा। बेटा इस तरह से आप कर सकते हैं कि फ्लक्स जो होता है बेटा डिपेंड्स, फ्लक्स मैग्नेटिक, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन उन्हीं तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा बेटा, डिपेंड्स अपॉन एरिया, नंबर, स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड एंड एंगल। बेटा ये तीन चीजों पे डिपेंड करता है, और एंगल किस पे मैक्सिमम होगा किस में मिनिमम होगा वो मैंने लिख दिया है बेटा। अब इसका यूनिट कौन सा होता है बेटा, इसका यूनिट होता है बेटा वेबर, ठीक है। इसका यूनिट बेटा होता है वेबर, फ्लक्स का यूनिट होता है बेटा वेबर, ठीक है। अब इसी से आती है बेटा फ्लक्स डेंसिटी। अब ये फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है बेटा, फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है बेटा, फ्लक्स डेंसिटी का मकसद है फ्लक्स पर यूनिट एरिया, ठीक है बेटा, फ्लक्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड फ्लक्स डेंसिटी बेटा, इसको करते हैं फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। फ्लक्स डेंसिटी ये होता है बेटा, फ्लक्स होता है इज इक्वल टू बी डॉट डेल्टा ए बेटा, ठीक है। आप इसको फ्लक्स डेंसिटी का मकसद है कि फ्लक्स पर यूनिट एरिया बेटा, ये हो गई फ्लक्स डेंसिटी। और फ्लक्स डेंसिटी किसके बराबर हो गई बेटा, फ्लक्स डेंसिटी इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बेटा, मैग्नेटिक फील्ड बेटा, फ्लक्स डेंसिटी किसके बराबर है, मैग्नेटिक फील्ड के। तो यहां से यूनिट एक आ सकता है बेटा, यूनिट ऑफ फ्लक्स डेंसिटी बेटा। फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक ही बात है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड ही फ्लक्स डेंसिटी है। मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड मीन्स फ्लक्स डेंसिटी इज ऑल्सो कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। और इसका यूनिट कौन सा हो जाएगा बेटा, यूनिट हो जाएगा वेबर पर मीटर स्क्वायर बेटा, ये यूनिट यहां से आता है बेटा। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट जो वेबर पर मीटर स्क्वायर आता है ना, वो इस फॉर्मूले से आता है बेटा, ठीक है। आप कह सकते हैं कि फ्लक्स डेंसिटी इज आल्सो कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बेटा, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी और फ्लक्स डेंसिटी एक ही बात है, क्योंकि फ्लक्स पर यूनिट एरिया किसकी मेयर देता है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड की मेयर देता है। तो जिस तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर थी, इसी तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो होती है वो मैग्नेटिक फ्लक्स के इक्वल होती है।